everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Four tips to awaken your divine masculines. कैसे आप अपने divine masculine को awaken कर सकते हैं, ये आज की वीडियो का टॉपिक है. ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिवाइन फेमिनिन के तरह ही डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी अवेकन होना होता है. डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकनिंग इज नेसेसरी टू रीच यूनिटी विद द डिवाइन फेमिनिन इन द एसेंशन प्रोसेस. डीएम को लाइफ में बहुत से ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं जिनसे होकर वो अपने कार्मिक डेब्ट को पे करते हैं, एंड दिस लीड्स टू अवेकनिंग ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स. अब चलिए जानते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स के अवेकनिंग में हेल्प करने के लिए. स्टेप नंबर वन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप आए, आपको पता चला, ठीक उसी टाइम से इसे आप स्पिरिचुअल जर्नी मानकर चलें. ऐसा नहीं कि प्यार करते करते हनीमून तक सोचने लगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वे विल बी टू एम्ब्रेस ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज अ स्पिरिचुअल जर्नी, एज अ डिवाइनल जर्नी. जैसे ही आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रोमांटिक कनेक्शन ना मानकर रूहानी कनेक्शन मानेंगे, तब आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, तब जाकर आप सरेंडर कर पाएंगे. एंड व्हाट इज सरेंडर? सरेंडर मीन्स टू गिव चार्ज टू गॉड विथ जीरो रेजिस्टेंस, और फिर जाकर आपके डिवाइन मस्कुलिन्स को ईश्वर अवेकन करते हैं. स्टेप नंबर टू, सेकेंड स्टेप, आपको इनर वर्क ये सोच कर नहीं करना है कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन हो जाएगा. यू प्रैक्टिस योर स्पिरिचुअलिटी फॉर द सेक ऑफ योर सोल इवॉल्वमेंट एंड नॉट फॉर द यूनियन विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन. अगर आप ट्विन से रियूनाइट होने के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, देन इन दैट वे यू विल नेवर बी रियूनाइटेड, क्योंकि इस जर्नी में आपको इवॉल्व होना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न कि आप ये देखें कि आपके ट्विन फ्लेम की क्या प्रोग्रेस हुई है या नहीं, क्या उनके उधर आपके ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हैं, अभी सोए हुए हैं या जागे हुए हैं, या जाग गए हैं, कब तक होगी उनकी अवेकनिंग. प्लीज डोंट ट्रैक योर ट्विन फ्लेम इन 3D वर्ल्ड वाइल डूइंग इनर वर्क. आप यहाँ पर चोर पुलिस नहीं खेल रहे हैं कि आप चोर बन के छुपे हैं और टाइम टू टाइम बाहर निकलकर देख रहे हैं कि पुलिस कहाँ तक पहुंची है, ठीक है ना. यू सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जर्नी, यू सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन यू. पुलिस को जब आना होगा तब आ जाएगी पुलिस. यहाँ पे आपके डीएम से मतलब है. स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को अवेकन करने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं कंप्लीटली चेज बंद करके. योर डिवाइन मैस्कुलिन्स इज इनसाइड यू, और जो बाहर 3D वर्ल्ड में डीएम दिख रहे होते हैं वो और कोई नहीं, सिर्फ आपके मैस्कुलिन एनर्जी के रिफ्लेक्शन है. आपके अंदर की इनर मैस्कुलिन एनर्जी के बाहरी 3D वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन है. इसलिए अगर सच में आप अपने डीएम को अवेकन करना चाहते हैं तो पहले खुद जाग जाइए एंड जस्ट टर्न इनसाइड एंड देन यू स्टार्ट अवेकनिंग योर इनर मैस्कुलिन एनर्जी. और वो कैसे करेंगे आप, कैसे अपने अंदर के इनर मैस्कुलिन एनर्जी को जगा पाएंगे आप? पॉइंट नंबर वन, बी नॉन जजमेंटल. पॉइंट नंबर टू, ऑलवेज बी कमिटेड. किसी को प्रॉमिस कर दिया तो निभाना सीखें, मींस अपनी बातों में स्टिक रहें. पॉइंट नंबर थ्री, जो भी काम हो उस पर फोकस्ड रहें और डिसिप्लिन मेंटेन करें. पॉइंट नंबर फोर, हर रिश्ते में एक हेल्दी बाउंड्री जरूर रखें, चाहे वो पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, स्पाउस के साथ, या फिर ट्विन फ्लेम के साथ ही क्यों ना हो.
पॉइंट नंबर 5, अपने अंदर इनर मैस्कुलिन को अवेकन करने के लिए लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस है से आप गो थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप हैप्पी मोमेंट में हो या ग्लूमी डेज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लें, ये नहीं कि दूसरों पर दोष डाल दें। स्टेप नंबर 4, अब हम फिर से वो स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 4, आप अपने डीएम को अवेकन करने के लिए स्टेप नंबर 4 ये लेंगे, ये ले सकते हैं उन पर, मतलब डीएम पर किसी भी टाइप का फोर्स ना करें और ना तो आप उनको जाकर ये बताएं या शो करें कि आपके पास कितनी नॉलेज, कितनी विजडम हो गई है, एज वेल एज कि स्पिरिचुअल विजडम आप कितना गेन कर चुके हैं, एज वेल एज यू शुड नेवर बी वरीड अबाउट देयर अवेकनिंग। हाँ, आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, आप डिवाइनल पाथ पर हो, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम आने शुरू हो गए हैं, बट दिस डजंट मीन यू गो एंड शेयर एवरीथिंग टू देम एंड प्रेशराइज देम टू ट्रस्ट ऑन योर ईच एंड एवरी वर्ड्स। आपको ऐसा कुछ भी टेक्निक यूज नहीं करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब डीएम एफर्टलेसली अवेकन हो जाएंगे, पर वो दिन तभी आएगा जब आप अपनी ओर से फोर्स नहीं डालेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलिन्स अवेकन हो, तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं कि आज फॉलो किया फिर कल से ताका झाकी फिर से शुरू कर दिया, देखे तो मेरे डीएम जागे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर योर अवेकन सेल्फ will only cause the presence of your divine masculine's awakened self. आपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स पास आउट किए होंगे, है ना? क्या करते थे आप तब जब एग्जाम्स था या इंटरव्यू ही देने जाते गए हो, क्या करते थे आप तब? अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम देते थे, राइट? और फिर सब कुछ उस एग्जामिनर पर छोड़ देते थे, ठीक है ना? रिजल्ट जो भी हो सब कुछ उस एग्जामिनर पर छोड़ देते थे या वो उस इंटरव्यूअर पर छोड़ देते थे, ये सोचकर कि आपने अपना 100% दिया, अब जो करना है एग्जामिनर करेंगे, राइट? यहाँ भी आपको यही करना है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे, क्या है नतीजा, सेम प्रोसेस आपको ये करना है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, बट वेरी इफेक्टिव और आप लोगों के लिए जरूर बेनिफिशियल होगा। आप ये 4 स्टेप्स को फॉलो करें आज से, अभी से। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत खुश रहिए, बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय।